हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप इस ड्रामे के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे की कहानी पर नज़र डालते हैं। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि सॉन्ग दियोक को पता चलता है कि अब से वो किंग जोंग की पर्सनल मेड है। इसका मतलब ये कि सॉन्ग दियोक को किंग जोंग का सारा काम करना पड़ेगा। सॉन्ग दियोक इस बात से खुश नहीं है, पर वो क्या कर सकती है, उसे तो ये काम करना पड़ेगा। जिसके बाद सॉन्ग दियोक इंक का पानी किंग जोंग के कमरे में ले जाती है। वहाँ वो देखती है कि टेबल बिखरा हुआ है। वो टेबल साफ करने के बाद बैठ जाती है। तभी वहाँ किंग जोंग हॉन्ग द्यूक आते हैं। उन्हें देखकर सॉन्ग द्यूक घुटनों के बल बैठ जाती है। किंग जोंग देखता है कि लेडी ने उसके पेपर्स को हाथ लगाया। वो गुस्से से उसे कहता है कि आज के बाद मेरे पेपर्स को हाथ मत लगाना। तभी मुलाजिम किंग जोंग के लिए मेडिसिन ले आता है। वो सॉन्ग द्यूक को इशारा करता है कि वो मेडिसिन आगे ले जाए। सॉन्ग द्यूक किंग जोंग की तरफ देखती है और फिर मुलाजिम के पास जाकर वो मेडिसिन ले लेती है। तभी किंग जोंग को पता चलता है कि उसकी न्यू पर्सनल लेडी सॉन्ग द्यूक है। हॉन्ग द्यूक उससे मेडिसिन लेता है और उसे पानी लाने का कहता है। सॉन्ग द्यूक बाहर जाने पर खुश होती है। वो पानी ले जा रही होती है, वहीं वुल हाय सॉन्ग द्यूक को देखकर एक तरफ ले जाती है और उसे पूछती है कि किंग जोंग ने उसके साथ क्या किया। वो उसे बताती है कि उसके पेपर्स को टच करने पर उसे डांट पड़ी। वो लाय कहती है कि वो बहुत लकी है क्योंकि उसे सजा नहीं दी। सॉन्ग द्यूक उससे कहती है कि उसकी मदद करे। वो लाय कहती है कि वो इस बात की फिक्र ना करे, वो सोचे कि इस बारे में। वो उसे जाने का कहती है। सॉन्ग द्यूक पानी लेकर कमरे में आती है और देखती है कि किंग जोंग बिजी है। वो जाकर बैठ जाती है। किंग जोंग लिख रहा होता है, तभी इंक का पानी खत्म हो जाता है। वो टेबल पर जोर से मारता है, जिसके बाद सॉन्ग द्यूक को पता चलता है कि इंक का पानी खत्म हो गया है। वो पानी भरने जाती है। सॉन्ग द्यूक को अपने सामने देखकर किंग जोंग अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो जब भी सॉन्ग द्यूक को देखता है उसके एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। उसके बाद किंग जोंग लिखने के बाद सॉन्ग द्यूक से कहता है कि वो उसे ड्राई करे जो उसने अभी लिखा। सॉन्ग द्यूक वो उठाने ही वाली होती है कि किंग जोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ काम करने क्यों आई हो, जबकि तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। सॉन्ग द्यूक उससे वादा करती है कि जब उसे नया काम मिलेगा तो वो ये काम छोड़ देगी। वो खुश होकर जा रही होती है कि किंग जोंग उसे रोकता है और उसे कहता है कि आज से तुम मेरी पर्सनल लेडी हो। जोंग देर रात तक काम करता है। सॉन्ग द्यूक उसकी पर्सनल लेडी होने की वजह से उसके साथ ही होती है। तभी बारिश होती है, जिसे देखने के लिए वो विंडो ओपन करती है, जिसे देखकर वो खुश होती है। किंग जोंग भी उसे देखता है। वो उसके लिए फीलिंग्स तो रखता है, पर उसे खुद नहीं पता कि वो क्या फीलिंग्स रखता है। खैर, वो भी उसे देखकर खुश होता है। तभी सॉन्ग द्यूक को लगता है कि किंग जोंग उसे देख रहा है। वो उसे देखने के लिए पलटती है। तभी किंग जोंग पढ़ने का नाटक करता है। उसके बाद सॉन्ग द्यूक घर जाती है। तभी हॉन्ग द्यूक आता है, दोनों साथ जा रहे होते हैं। सॉन्ग द्यूक कहती है कि मैं पागल थी जो नहीं समझ पाई कि वो हॉन्ग द्यूक नहीं प्रिंस थे। हॉन्ग द्यूक भी उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि सच पता होते हुए भी उसे नहीं बताया। दोनों साथ जा रहे होते हैं। सॉन्ग द्यूक उसे कहती है कि यहाँ से मैं अकेली जाऊँगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उन दोनों को साथ देकर किसी को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो। हॉन्ग द्यूक उसकी बात समझ जाता है और चला जाता है। सॉन्ग द्यूक उसे देखती है और कहती है कि सच कहते हैं सब हॉन्ग द्यूक के बारे में। नेक्स्ट डे कुछ कोल्ड लेडीज को महल से बाहर जाने की इजाजत दी गई, जिनमें से एक सॉन्ग द्यूक भी थी। उसे महल से बाहर जाते हुए दिखाया जाता है। बाकी सबको फैमिली मेंबर के साथ देखकर सॉन्ग द्यूक थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि सॉन्ग द्यूक का कोई नहीं था। उसके बाद वो उन लोगों के घर जाती है जिन्होंने उसका बचपन में साथ दिया और उसका ख्याल रखा। पर वो बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि बिन होंग ने ऐसा करने को कहा था। तभी एक बच्चा आता है और सॉन्ग द्यूक से कहता है कि बिन होंग उससे मिलना चाहती है। वो उससे मिलने जाती है। जैसे ही उसे देखती है तभी उसे याद आता है कि इसके भाई बिन होंग के सामने
घुटनों के बल बैठा था और सॉन्ग द्यूक को उसके पास रखने की रिक्वेस्ट कर रहा था। उसके बाद वो बिन होंग को बताती है कि वो उसकी और उसके भाई की जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। बिन होंग कहती है कि तुम मेरा एक काम करो, प्रिंस किंग जोंग क्या करते हैं उसकी सारी खबर मुझे जाकर दो। पर सॉन्ग द्यूक मना करती है। बिन होंग कहती है कि महल में हर कोई ये काम करता है, अगर तुम ये काम करोगी तो जो मेरे हस्बैंड के साथ हुआ वो मैं किंग जोंग के साथ नहीं होने दूंगी। फिर वो कहती है कि अगर तुम मेरा ये काम पूरा करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाऊंगी। के बाद वो महल आती है, वहीं पर प्रिंसेस हवान सॉन्ग द्यूक को देखती है और से पता चलता है कि किंग जोंग की हेल्प करने वाली नौकरानी अब उसकी पर्सनल लेडी बन गई है। वो सॉन्ग द्यूक के पास जाती है और पीछे से उसके बालों को खींचती है। सॉन्ग द्यूक को पता चलता है कि ये प्रिंसेस हवान है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और अपनी गलती पूछती है। प्रिंसेस हवान कहती है कि तुमने रूल तोड़ा है, पर सॉन्ग द्यूक कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अपने मुलाजमों से कहती है कि सॉन्ग द्यूक को सजा देने के लिए ले जाया जाए। तभी वहाँ किंग जोंग आता है और उसे ले जाने से मना करता है। प्रिंसेस हवान कहती है कि उसने गलती की, उसे सजा मिलनी चाहिए। पर किंग जोंग कहता है कि सॉन्ग द्यूक ऐसा नहीं कर सकती। वो सॉन्ग द्यूक को अपनी तरफ आने को कहता है। सॉन्ग द्यूक उसके पास जाती है, वो जा रहे होते हैं। प्रिंसेस हवान किंग जोंग को रोकती है और कहती है कि इसकी किस्मत का फैसला अब क्वीन जंगसून ही कर सकती हैं। तीनों क्वीन जंगसून के पास जाते हैं। जंगसून हवान से कहती है कि वो सॉन्ग द्यूक को माफ कर दे, लेकिन हवान मना कर देती है और चिल्ला हुए कहती है कि उसने खुद देखा है कि सॉन्ग द्यूक ने गलती की। जंग सुन हवान को नाराज नहीं करना चाहती। वो किंग जोंग से कहती है कि सॉन्ग द्यूक को सजा देने के लिए वो हवान को इजाजत दे। हवान खुश हो जाती है। वो सॉन्ग द्यूक को अपने साथ ले जा रही होती है, पर जंग सुन उसे रोकती है और कहती है कि मैंने राइस केक बनाया है, वो टेस्ट करके जाओ। तभी वहाँ किंग यंगजू आता है। जंग सुन उसके सामने भी वही केक रखती है। यंगजू वो केक खाने ही वाला होता है। प्रिंसेस हवान उसे रोकती है और केक खाने से मना करती है और कहती है कि अगर उसने वो केक खाया तो वो मर जाएगा। वो रोते हुए यंगजू से कहती है कि सिर्फ वही हैं जो उसका ख्याल रख सकते हैं। यंगजू किंग जोंग को डिसीजन लेने का कहता है। किंग जोंग राइस केक खाने से मना करता है। यंगजू राइस केक रखता है। तभी वो सॉन्ग द्यूक को देखता है और पूछता है ये यहाँ क्या कर रही है। क्वीन जंग सुन सारी बात बता देती है। यंगजू किंग जोंग से कहता है उसे सजा देने को, पर हवान नहीं चाहती कि किंग जोंग सजा दे, क्योंकि वो जानती है अगर किंग जोंग को सजा देने की इजाजत दी गई तो वो उसे माफ कर देगा। पर यंगजू कहता है कि वही सजा देगा। किंग जोंग अपनी समझदारी दिखाता है और कहता है कि सॉन्ग द्यूक की सजा ये है कि उसकी आधे साल की सैलरी काट दी जाएगी। यंगजू उससे बहुत खुश होता है। उसके बाद किंग जोंग और सॉन्ग द्यूक को दिखाया जाता है। किंग जोंग सॉन्ग द्यूक से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सॉन्ग द्यूक उसे थैंक यू बोलती है और कहती है कि आपने मुझे बचाया। पर किंग जोंग कहता है कि वो तुम हो जिसने मुझे बचाया, तुमने मेरी हेल्प की। दरअसल सॉन्ग द्यूक ने इशारा करके किंग जोंग को बताया था कि वो यंगजू को राइस केक खाने की इजाजत ना दे। उसके बाद सॉन्ग द्यूक अपने दोस्तों के साथ होती है और किंग जोंग के ख्यालों में गुम होती है। तभी लेडी आती है और सॉन्ग द्यूक को बिन हो के पास ले जाती है। बिन हो उसे किंग जोंग के बारे में बताती है कि आज रात वो कुछ लोगों से मिलने जा रहा है। वो सॉन्ग द्यूक से कहती है कि किंग जोंग को फॉलो करे और सारी न्यूज उसे ला कर दे। सॉन्ग द्यूक उसकी बात मान लेती है। उसके बाद किंग जोंग कहीं जा रहा होता है। सॉन्ग द्यूक उसका पीछा करती है क्योंकि बिन होंग ने ऐसा करने को कहा था। पर किंग जोंग के बॉडीगार्ड उसे देख लेते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहीं पर पार्ट 7 एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।